हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट को डिस्कस करने, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चार सेंटर पढ़े। ठीक है, उन चारों सेंटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने पढ़ाया क्या? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में बोलते हैं क्या? कोण समद्विभाजक। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? मीडियन, मतलब माध्यिका। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पर आपने क्या पढ़ा? साइड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। ठीक है, साइड मतलब भुजा, लंब, समद्विभाजक। ठीक है, इसके बाद में चौथा नंबर हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शीर्ष लंब। ये चारों पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, इनके अलग अलग सेंटर भी होते हैं। अब बात करता हूँ एंगल बाइसेक्टर की। तो एंगल बाइसेक्टर देखो, ध्यान से समझना, अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एंगल होता है, ठीक है, जो शीर्ष पे, जो कॉर्नर पे, वर्टेक्स पे जो एंगल होता है, उसे दो बराबर हिस्सों में काटता है। क्या करता है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये 20 है तो ये 20, ये 30 है तो ये भी 30। ठीक है, दोनों एंगल को क्या करता है? समान काट देता है, एंगल बाइसेक्ट करता है। कोण को क्या करता है? समान दो टुकड़ों में तोड़ देता है। और सामने वाली जो भुजा होती है, उसी भुजा को क्या करता है? इसके सामने सी हो जाएगी, इसके सामने बी, उसको क्या तोड़ेगा भाई? सी रेशियो बी में डिवाइड कर देता है सामने वाली भुजा को। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मैं यहां से बात करूं कि एक मुझे ट्राइंगल दिया है और इस केस में हमें बोला है कि ये एंगल बाइसेक्टर से बना है और ये दिया हुआ है मुझे 50, तो आप लोगों से पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि 90 में प्लस करते हैं कितना, इसका आधा, मतलब अगर ए बी सी है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ए वाला जो 50 है, 50 का आधा मतलब 25, तो कितना हो जाएगा भाई? 115 डिग्री। ठीक है, एंड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तीनों एंगल बाइसेक्टर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डिनोट करते हैं आई से, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अंत केंद्र। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम। बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या करती है भाई? मीडियन ये काम करती है कि सामने वाली भुजा को, मीडियन का जो काम होता है, सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, मीडियन का जो काम होता है वो क्या होता है भाई? सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, बस ये काम समझ लो। ठीक है, क्या करेगी? और दूसरी बात कि ये एरिया को भी डिवाइड कर देती है। अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 50 है तो क्या होगा कि 25-25 डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये तो हमारा 1:1 में डिवाइड करेगी, प्लस एरिया को भी 1:1 में डिवाइड करेगी। समझ गए? अगर मैंने बोला कि त्रिभुज में हमें तीनों मीडियन दिए गए हैं और इसका जो एरिया होगा वो किस टाइप से, तो सबका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं तीनों मीडियन, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी? ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर बोल लीजिए या फिर हम इसे क्या बोलते हैं,
सेंट्रोइड, ठीक है, मतलब केंद्रक। डिनोट करते हैं हम इसे किससे? जी से। जी से इसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। दोनों हो गए क्लियर। यहां पे एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड साइड भी हमारी इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, कौन? मीडियन। एंड यहां पे अगर मैं एंगल की बात करूं, जैसे हमने यहां पे ये एंगल की बात की, तो याद रखना यहां पर मीडियन के केस में क्या होगा, अगर हमें ऊपर वाला एंगल दिया है मान लो 20 डिग्री, तो नीचे वाला एंगल अगर पूछा है तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो मीडियन के केस में आपको नहीं पूछा जाएगा ये वाला एंगल, समझ के। ग्रेविटी सेंटर के केस में आप नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सामने वाली साइड को, ठीक है, दो टुकड़ों में तो तोड़ देती है बराबर, प्लस 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। क्या करती है भाई? भुजा और लंब 90 डिग्री का एंगल प्लस दोनों को क्या करेगी? इक्वल। और जहां पर ये पॉइंट मिलते हैं, जहां पर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? सी से। पहला हमने डिनोट किया आई से, दूसरा जी से, तीसरा हम किससे डिनोट करेंगे? सी से। चारों अलग अलग होने चाहिए ना, पहचान अलग अलग। एल्टीट्यूड वाला सेंटर क्या होता है? और तो सेंटर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बात करूँ, ये मैंने एल्टीट्यूड लंब डाला, यहाँ से ये लंब डाला एंड यहाँ से ये एल्टीट्यूड डाल दिया, तो जिस सेंटर पर ये मिलेंगे वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, अब लेकिन यहां पर अगर मैंने इस वाले केस में अगर मैंने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाकर एक त्रिभुज, आप अपनी कॉपी में ठीक से बना लीजिएगा, ठीक है, चारों पॉइंट एक साथ। यहां पर ऊपर दिया हुआ है कितना, मान लो कि ये मुझे दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस एंगल को ए, इस एंगल को बी, इस एंगल को सी, तो उस केस में 40 का डबल हो जाता है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। बोल सकते हैं कि ये 80 कैसे आया? 2 × एंगल A से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस एंगल के लिए 90 प्लस कर लेंगे कितना, एंगल ए का आधा, वही तो किया। एंगल ए मेरे पास 50 था, 50 का 25, यहां पर तो निकाल ही नहीं सकते, पूछे गए नहीं, सीधी सी बात है। यहां पर हो जाएगा 2 × एंगल A, तो हमारा 80 डिग्री राइट आंसर। अगर मैं एल्टीट्यूड के केस में अगर मैं आपसे पूछूं, तो एल्टीट्यूड के केस में क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एंगल है 50 डिग्री, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे, आपने ही बताया था कि 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल ए, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, तो माइनस कर देंगे 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 130 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देना होगा एंगल ए, सीधा सीधा। समझ गए चारों पॉइंट, कुछ भी नहीं है। पहला है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, यहां पर याद रखना कोण समद्विभाजक एंड माध्यिका, ठीक है, लंब समद्विभाजक भी हो सकता है यहां पे। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ लंब भी बोल सकता है वो, ठीक है, सिर्फ लंब भी अगर बोलेगा तो भी आपको एल्टीट्यूड ही मानना है, ठीक है। और यहाँ पे 180 में से हम माइनस कर देंगे तो 50 माइनस करने पे ये वाला एंगल आ जाएगा, मतलब 180 माइनस ऊपर वाला एंगल। यहाँ पे एक दो का गुणा कर देंगे ऊपर वाले एंगल, मतलब ऊपर वाले एंगल का दुगुना होता है, कब? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में। यहाँ पर देखेंगे तो 90 में प्लस कर देंगे आधा, कब? जब हमारे पास एंगल बाइसेक्टर से एंगल बना हुआ है सेंटर पर, ठीक है। और इस सेंटर का नाम, इन सेंटर के नाम और लिख लो, ये हो जाएगा हमारा क्या, सरकम सेंटर, ये हमारा इन सेंटर, ठीक है, एंड यहां पर हो जाएगा ऑर्थो सेंटर,
ये जो सेंटर है ऑर्थो सेंटर, यहाँ पर तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो हमारा हो गया जी। अब यहाँ पे याद रखना एक पॉइंट कि इसमें क्या होता है, इसमें सामने वाली भुजा डिवाइड होती है सी रेशियो डी में, इसमें सामने वाली भुजा हो जाती है 1:1 में डिवाइड, एंड इसमें दोनों समान होती हैं, ठीक है, एंड इसमें क्या होता है दोनों अलग अलग होती हैं। याद रखना ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिड पॉइंट नहीं होता, एल्टीट्यूड का जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट हो, तो इसलिए यहाँ पे मैं मिड पॉइंट लिखता हूँ और उसे काट देता हूँ। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी में नहीं होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी में है, ये 1:1 में डिवाइड होता है हो या ना हो, लेकिन आपको करना है अगर आपको बोल दे कि मीडियन दी हुई है तब, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया हुआ है सर्कम सेंटर, एंड यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं, कब, जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस होता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो फिर अब फ्रेंड्स हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।